कहासाना.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। आप सभी ने फिल्म दंगल तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक असली दंगल गर्ल के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है और हम सबको उन पर गर्व है। तो देखिए इनकी। प्रदेश के खंडवा के पहलवान की बेटी माधुरी पटेल ने एक और कमाल कर दिखाया है। उन्होंने बुल्गारिया में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के महिला रेसलर को चित्त कर दिया है और इस तरह माधुरी ने दंगल के शॉट्स को फिर से दोहरा दिया है। माधुरी ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है और अब खिताब जीतने से वो महज एक कदम दूर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गाँव बोरगांव खुर्द में रहने वाली 16 वर्ष की माधुरी पटेल ने सबको चौंका कर रख दिया है। उन्होंने अखाड़े की मिट्टी से इंटरनेशनल लेवल तक का सफर तय किया है। माधुरी ने 2 साल भोपाल में प्रशिक्षण भी लिया और ये प्रशिक्षण उनके बहुत काम आ रहा है। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह लगातार कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। माधुरी ने हाल ही में जो जीत हासिल की है उसकी खुशी की लहर पूरे गाँव में देखी जा सकती है। उनके पिता जगदीश पटेल सहित उनके तमाम प्रशंसक और उनके गांव वालों को फाइनल में भी माधुरी के जीतने की उम्मीद है। एक तरह से देखा जाए तो माधुरी की कहानी फिल्म दंगल की कहानी जैसी है। माधुरी के पिता भी पहलवान रहे हैं और वो भी देश के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के चलते ये वो सब नहीं कर पाए। इसके बाद उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा करने की सोची और उन्होंने अपनी बेटी को प्रशिक्षण देकर पहलवान बनाया। फिल्म दंगल में भी यही कहानी है, जहां महावीर फोगाट अपने देश के लिए इंटरनेशनल मेडल लाना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और आखिर में वो अपनी बेटियों को पहलवान बनाते हैं और उनकी बेटियां उनका ख्वाब पूरा करती। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।